से हमने सब बीज खरीदे जितने भी हैं, और इसके बाद जो है अदरक का उसने हमको ये बताया था कि करीब 30 साल से 100-150 रुपए होता है जुलाई में रेट अदरक का, और हमको 3 साल तक वही 5 रुपए मिला, जबकि अदरक में कितनी लगत आती। हाँ, उसकी रार बहुत जोर रहा थी जो हमारे यहाँ, मतलब नहीं, 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 इसमें जो है ना खमरिया साहब, अपन को ये बात समझना पड़ेगी कि अदरक तो जो है ना बाजार में उतना ही महंगा मिल रहा है जो वो कह रहा है, किसान का नहीं बिक रहा है। अब आप ये बताओ अपन बुरहानपुर से कहाँ बेचने जाएंगे, तो बस वही तो कह रहे हैं कि कंज्यूमर आपको ये बता रहे हैं। दूसरा आकाश चौरसिया का मित्र मिला मेरे को कल, उसको नौकरी ज्वाइन करना पड़ी। नौकरी ज्वाइन करना है? नहीं, नौकरी ज्वाइन करना पड़ी उसको रायपुर में जाके। क्यों? वो भी यही खेती कर रहा था अदरक की और लहसुन की, 5-5 लेयर वाली। तो क्या दिक्कत है उसमें? अब यही तो है साहब, उसने मेरे को ये बताया कि बेचने का प्रॉब्लम है, दूसरा रेट नहीं मिलते। नहीं, लेकिन देखिए देखिए, इसको इस ढंग से देखने की कोशिश करें। अभी मैं भोपाल में ये देखता हूँ कि शायद किसान जो है वो उगा रहे हैं, और उनकी महिलाएं जो है मैं देखता हूँ भदभदा के पास में कि वो उसे बेचने का काम कर रही हैं। और ये प्रॉब्लम सच में आ रही है कि किसान जो है उसे खुद बेचता है तो कंज्यूमर को भी फायदा होता है, उसको सस्ता मिलता है, और किसान को भी दुगना तुगना मिल जाता है, क्योंकि उसी चीज को यदि वो मंडी में बेचता है तो वो उसका एकदम क्रेट में भी जो है ना उसको बोरोट नहीं दे रहे हैं, जो 1 किलो में, या कई बार तो पाव भर में भी ले रहे हैं। अरे सर, अभी आपको ये बता दे रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं गुप्ता सर, आपके मतलब जो है वो यहाँ टीचर भी रहे और जिला शिक्षा अधिकारी भी रहे, और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, रोज बैठते हैं। उनके लड़के ने ये जैविक सब्जी और अपने टमाटर उगाना चालू की और शिमला मिर्च। ओके, वो बिक नहीं रही है, फेंक रहा है वो यहाँ टमाटर। अच्छा, बिक क्यों नहीं रही है? वो खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि वो मंडी में जाते हैं तो उनका 2 किलो अलग निकाल लो, रेट ये रहेगा, रेट ही नहीं मिल रहा उसको। अच्छा, हमारे घर रोज क्या नाम बताया आपने? समीर गुप्ता नाम है। अच्छा, तो आप समीर गुप्ता का भी नंबर मुझे दीजिए और आकाश चौरसिया का भी नंबर मुझे। हाँ, हम दे देंगे आपका दोनों को, क्योंकि क्योंकि मैं इन दोनों लोगों से साक्षात करना चाहूंगा, क्योंकि क्योंकि जो है जिन कारणों से इनको वो चीज नहीं मिल रही है उन्हें उन कारणों को समझना होगा मुझे, नंबर 1। हाँ, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है हमें सप्लाई और डिमांड को समझना पड़ेगा, और तीसरी बात हमें समझना पड़ेगी परचेजिंग पावर। अभी क्या हो रहा है, हम किसी को गरीब बना रहे हैं और गरीब होने के कारण उसको खरीदने की ताकत ही नहीं है, उसको हम फिर फ्री भी बांट रहे हैं और उसके उसको चुतिया बना के उसका वोट ले रहे हैं। अब उसी की डायनामिक्स अपन थोड़ी सी बदल दें। किसान को जो है ना 1 MSP बिना किसी कॉस्ट इनकमरेंस के मिल जाए, राइट। जो वर्कर है उसे 48,000 रुपीज पर मंथ का परचेजिंग पावर मिल जाए, राइट। और यदि अज्यूम करिए कि एक परिवार में 4 लोग जो है कमाने वाले हैं तो 2 लाख रुपए पर मंथ की उसकी इनकम हो गई। आज वो 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहा है, जब वो 2 लाख रुपए कमा पाएगा तो अच्छे मकान में भी रह पाएगा और वो फल भी खा पाएगा। तो जैसे पूरी पूरी बात सुनिए, अभी जो है डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि परचेजिंग पावर बहुत छोटे कम लोगों के पास में है। तो अच्छा फल, अच्छी सब्जियां, अच्छी शहद, अच्छा दूध सब जो है ना ये रईस आदमी ही खाएंगे। एक हमारा वर्कर क्यों नहीं खा सकता? और हम तो कह रहे हैं वर्कर क्या, हमारा इवन गाय माता क्यों नहीं खा सकती? अरे सर, हम तो ऐसे बहुत से लोग, अभी हम एक मंडला वाले जो हैं कुशवाहा जी का भी नंबर आपको दे देंगे। मैं सर देखिए 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 देखिए, मैं इन सब लोगों से सिर्फ इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनकी बात समझ सकूं। हाँ, और उनकी बात समझ के मैं उसको सॉल्यूशन बना सकूं। मैं समस्या में तो मुझे कभी कोई रुचि होती नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे हर प्रॉब्लम में बड़ा समाधान दिखाई देता है। मुझे समस्या दिखती नहीं है, ये हमारे साथ तो उल्टी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, वो आपका जो मतलब जो सोच है वो इसलिए जोरदार है क्योंकि आपकी सोच ये है कि भाई हम बड़ी समस्या को यदि ज्यादा
बड़ी मानेंगे तो उसका ज्यादा वो भी आएगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि देखो ये बताइए, प्रकृति में ऐसी कोई चीज है जिसकी कोई वैल्यू ना हो? नहीं नहीं ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, हर चीज की वैल्यू। तो जब बहुत सभी चीजें बहुतायत में हैं और सभी चीजें अमूल्य हैं और कोई चीज खराब नहीं है, तो इस नेचर में रहने वाले लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? वृक्ष का मतलब गरीब तो हमने उन्हें बनाया है। इसीलिए आपको जो बता रहे हैं सर कि आपको चाहे वो समीर गुप्ता हो, चाहे आकाश चौरसिया से हो, चाहे सब हो, जो भी इसमें चलता है, जैसे समीर गुप्ता इसलिए आए क्योंकि उनको सब्सिडी मिल गई 30 लाख रुपए, उनको भी काफी बताया गया। नहीं तो अब जब वो माल नहीं बिक रहा है तो वो तो परेशान है, वो जबरदस्ती लोगों में लालच भी है ना सर। नहीं वो लालच को बेसिकली इसलिए हम कह रहे हैं कि आप नहीं बेचेंगे, हमारी मैकेनिज्म बेचेगी, हाँ ठीक, हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेचेगी, हाँ, हमारे स्टोर्स होंगे जो बेचेंगे। तो जो बीच में देखिए ऐसा है कि आप 500 रुपए की शर्ट पैदा कर रहे हैं और शोरूम में 2500 की बेच रहे हैं, तो आपने 2000 रुपए का ऐसा क्या बड़ा महान काम कर दिया कि उसे आप 2000 रुपए में? अरे अभी आपको बता दे रहे हैं सर है? मतलब जो है आपको आनंद आ जाएगा क्या कि मैं तो दवाइयों में भी एक्सपर्ट हूँ ना, ये एग्रीकल्चर और इसकी मैंने बहुत काम किया है। अभी क्या हुआ कि ये एक जूस निकला है जामुन का और करेले का, और जामुन और करेला का जूस मेडिकेयर वाले भी बेच रहे हैं, RCM कंपनी भी बेच रही है, बाबा रामदेव भी बेच रहे हैं, रविशंकर जी भी बेच रहे हैं। ओके इस जूस से फायदा क्या है? अरे अब आपको बता रहे हैं, हमने 3 बॉटल बुलवा के रखी है, ये बता रहा हूँ, मेरे को तो बड़ा इंटरेस्ट है ना इस चीज को। नहीं तो उससे फायदा क्या हुआ आपको? मुझे फायदे की बात बताइए। नहीं नहीं हमने तो पी नहीं, हमने दूसरों को दी, अभी हम गुप्ता जी से पूछ लेंगे, गुप्ता जी को दी थी एक बात। हम तो केवल ये पार प्रैक्टिकल की देखें कि भाई 1000 का जो है मेडिकेयर बेच रहा है करेला जामुन का रस और वो दे रहा है 450 रुपये में, और उसके यहाँ जामुन के झाड़ लगे हैं वो। नहीं तो क्या उसके इस रस को बनाने में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं या वो? नहीं नहीं हो रहे ना सर, जब मेडिकेयर 1000 में दे रहा है, बाबा रामदेव 400 रुपए में या 300 रुपए में दे रहा है, ये 550 का तो वो जेबक का सर्टिफिकेट दे रहा है, उसके यहाँ जामुन लगी है। हाँ तो वो मतलब जो है मैं यही तो कहता हूँ कि ये रेट चल कैसे रहे भाई मेडिकेयर में आदमी भर। वो है अभी हमारा एक यही समीर गुप्ता का ब्रदर को हमने ये मेडिकेयर का बताया था कि यार ये कर लो, उसने 1.5 साल में 5 करोड़ का बंगला खरीद लिया और 90 लाख की गाड़ी दी है उसको मेडिकेयर वालों ने। अच्छा हाँ, जो कि नौकरी करता था सिंपल हमारे साथ, हमारे पास आया, हमने कहा क्या करोगे, हमने कहा यार एक तो दूध का बिजनेस बहुत अच्छा है, बुरहानपुर में दूध बढ़िया मिलता है 30 रुपए लीटर, तुम साला नागपुर ले जाओ या भोपाल ले जाओ, वहाँ बेच दो। और फिर हमने उसको मेडिकेयर का बता दिया। ओके वो मेडिकेयर उसने इतनी की कि आजकल वो जो है मतलब सब जगह ट्रेनिंग करने जाता है, वो टॉप पोस्ट पे है मेडिकेयर। तो मेडिकेयर में क्या होता है? अरे मेडिकेयर में पता नहीं साहब, मैंने उसको बता दिया उस समय, नया नया आया था क्योंकि मेरे को भी ये ऑनलाइन वगैरह का आइडिया था, तो हमने उसको दे दिया और वो आजकल नागपुर के वो तो हिंदुस्तान का बेस्ट आदमी बना है। हमको लाया था वो 90 लाख की कार दिखाने, मगर हमको समय नहीं था तो हम उसकी कार में बैठ नहीं पाए। हाँ। तो सर क्या है कि क्या चल रहा है इसको पहले अपन को देखना पड़ेगा। हमें देखने की जरूरत से ज्यादा उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बना के जन जन तक उसका लाभ पहुंचाना है। नहीं तो बस अब उसके लिए सर अपनी आप जब भी कहोगे तब हम आ जाते हैं, तो फिर अपन ये आकाश चौरसिया का नंबर अभी आपको भेज देते हैं। आप एक काम करते हैं, अपन आकाश चौरसिया का नंबर भेजो, आकाश चौरिया से कहो कि हमसे बात करें, समीर गुप्ता से कहो हमसे बात करें, और हम आपको भी और उनको भी और सबको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ते हैं, क्योंकि जो हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे वो विलुप्त हो जाएगी, ठीक है ना। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात होगी वो जो है वीडियो के फॉर्म में चढ़ेंगी और हम उसे एक मॉडल के रूप में उतारने की प्रक्रिया करेंगे। तो आजकल हम किसी से भी बिना रिकॉर्डेड बात नहीं करते हैं। नहीं नहीं अच्छी चीज है ना, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारी बातचीत की एनर्जी है उसको हम एक दिशा दे पाते हैं, और जो उसकी राय से इत्तेफाक रखता है कम से कम उसको जोड़ने का काम हो सकता है।
अभी लोग बाग जो है बिहुदे पोर्नोग्राफी और ये सब चीजों की जो है वीडियो शेयर करना और बांटना इन सब में ज्यादा लगे हुए हैं। यदि ये शुद्ध काम में यदि लगेंगे तो मैं एक चीज ये भी चाहता हूँ कि आप जोर से भिड़िए, अभी भी हमारी YouTube चैनल के सब्सक्राइबर 5000 के लगभग है, ठीक है ना। इनको 5 लाख में इनको 5 लाख इमीडिएटली कन्वर्ट करना है। नहीं नहीं ये तो हो जाएगा। देखिए सर, हम एक व्यक्ति से जुड़े थे, आपको ये बता रहे हैं, उसको 2-3 साल पहले जो है हमने उसका एक वीडियो देखा था। वो मतलब जो है एक तो अपने आपकी जैसी सर्विसेज के थे, सिविल सर्विसेज में थे वो। और इसके बाद उनने IIM किया और प्राइवेट कंपनी वगैरह खोली, तो उनने एक वीडियो खुद की चैनल चालू की थी। और उसमें केवल 200 सब्सक्राइबर थे। और उसमें सबसे पहले सब्सक्राइब हम करने वाले हैं, क्योंकि हमको आनंद आता था, वो बोलते थे, अच्छा बोलते थे। और आज उनके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और उनके 10 चैनल चल रहे हैं। ओके। हाँ, मतलब ये वो हमको रोज एक वीडियो नया भेजते हैं। ओके। हाँ, और हमारी उनसे बात तो नहीं हुई, मगर उनका जो वॉलंटियर टाइप रहते हैं उनसे बात होती है। ओके। और उनने मतलब जो है तो वो ही विधि हम आपको ये कमरा हो गया है कि कैसे संभव हुआ। अच्छा, तो चलो मैं इसको उठता हूँ, पहले इसको कर लो, है ना। ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हम आपको भेजते हैं नंबर, है ना। आप इन सब नंबरों को भेजिए और अपन इनको जुड़ के इनको समस्याओं को इनकी समझते हैं और उनके समाधान क्रिएट करते हैं। क्योंकि वो जो आकाश चौरसिया है उसका बहुत बड़ा ग्रुप है एक्चुअल में, यानी वो तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देता है और शायद अब विदेश भी जाने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको जो है वो इनाम भी दिया है। बाबा रामदेव की और ये अपना रेटी, ये अपना सलकनपुर पर, सलकनपुर के पास नसलगंज है ना, खेती 700 एकड़ है वहाँ, कोई आचार्य जी है उनकी भी वो ही देखता है आकाश चौरसिया। ओके ओके। वो अच्छा व्यक्ति है और हमारी उससे अच्छी मतलब मित्रता भी है। हमारे घर तो 4-4 दिन आके रहा ना। ओके ओके। उसको आने जाने काम वो करते थे, मतलब गाड़ी भेज देते थे, उससे आता था वो बराबर, पूरा अदरक लगाया, पूरा उसने सब पूरी चीजें करवाई उसने। और हमने ना तो बहुत अच्छा मेंटेन किया था ना सर, मगर क्या है कि अब आप इस समय मिले नहीं तो अभी तो मतलब जो है बहुत काम हुआ हो जा सकता है। अभी कोई बात नहीं, जो देखो हर काम अपने समय पे होता है। सही चीज है। तो जो एनर्जी जब होना होती है तभी होती है। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथिली शरण गुप्त कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये तो कोई दूसरी शक्ति, कोई दूसरी शक्ति करा रही है। नहीं नहीं, वो तो जो है आपके उसमें झलकता है ना सर। हाँ हाँ। और आपको ये बता देना है कि आपके 5000 सब्सक्राइबर 5 लाख बन जाएंगे। डॉक्टर आशीष शुक्ला करके थे, उनके जो है उस समय 500-700 थे, उनसे हमारी मित्रता हो गई, हम उनके वीडियो देखने लगे, आज उनके जो है कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। नहीं, वो भी बहुत अच्छे। इसको हाँ। इसलिए जोड़ने की लिए जरूरत है क्योंकि उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम देश का फेस और फेट बदल देंगे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त तो ये भी कह रहे हैं कि हम देश का फेस एंड फेट बदल देंगे, देश से जो है कैंसर गायब कर देंगे, देश से कैंसर गायब कर देंगे। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बोल रहे हैं ना। नहीं तो हमें तो ज्यादा लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक ये जमीन पे हम उतार ही नहीं पाएंगे ना। नहीं नहीं, तो अपन इसको जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कैमरिया जी, आप अपना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ईमेल आईडी भेजिए, हम आपसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरीके से बात करेंगे। ओके, ओके, क्योंकि क्योंकि जो है ना फेस टू फेस बात भी करते हैं ना, तो वो भी दो व्यक्तियों के बीच में बात रह जाएगी। लेकिन वो यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हो रही है तो हम उसे इमीडिएटली जो है वो कर पाएंगे, है कि नहीं। नहीं, वो हम आपके सभी वीडियो देखते हैं आपकी, मतलब छोटी छोटी सी चीज पे हमारा आनंद आता है असली में। जी जी जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो उसको लिखते भी हैं, आप उसी शब्दों में लिख देते हैं। हाँ नहीं तो वो तो भाई, वो तो जो अंदर की आवाज है वही आती है। चलिए खेवरिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से ये सब कॉस्मिक एनर्जी आपस में जुड़ के कोई बड़ा काम होगा। ओके ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।